हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस मास्टरी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में 15 नवंबर के कुछ करंट अफेयर्स आपको अपडेट किया गया है इसमें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य डायबिटीज से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। महासभा ने वर्ष 2007 में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव 61/225 को अपनाया था। इस दिन बताया गया कि मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सुधारने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को आगे बढ़ाने और उपचार और स्वास्थ्य देखभाल तक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीकेएस मास्टरी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश में हुए चुनावों में आंग सान सू की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की नेतृत्व वाली म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी ने हाल ही में चुनाव शानदार जीत हासिल की है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने कुल 400 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि विपक्षी पार्टी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी कि यूएसडीपी केवल 21 सीटें ही हासिल कर पाई। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी की दूसरे कार्यकाल के लिए चुनने के लगभग 38 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 नवंबर 2020 को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया यह संकल्प वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करेगा। यह सरना संहिता झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए वहाँ की राज्य सरकार ने सरना संहिता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। सरना अनुयायी वास्तव में प्रकृति के उपासक होते हैं और वे लोग खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। चलिए अब आपको झारखंड के बारे में बताते हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, कैप्टन रांची, फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी, फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार। बात करें लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। झारखंड का हाईकोर्ट झारखंड में है, चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में झारखंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, FAO। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गठबंधन शुरू किया है। इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। यह खाद्य गठबंधन विभिन्न देशों के मध्य एक मंच के तौर पर भी काम करेगा, जो विभिन्न देशों की खाद्य समस्याओं और खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए आपस में विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। अभी तक पूरी दुनिया के 35 देश इस गठबंधन में शामिल हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 900 करोड़ रुपये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए एक नए प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के तौर पर भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस मिशन के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये की निधि की व्यवस्था
की गई है। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत एक बार कोविड वैक्सीन का निर्माण होने के बाद देश के सभी लोगों को यह टीका किफ़ायती दामों पर उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की योजना है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 50%। 11 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की है, जिसके तहत देश के किसी भी स्थान पर 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए हिमालयी राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को भी 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह योजना फिलहाल 11 जून 2020 से आगामी 6 महीनों के लिए लागू की गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चाइना। चीन ने एक नया कानून अपनाया जिसका उद्देश्य देश के सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को बेहतर सहायता प्रदान करना है। इस कानून के तहत युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के लिए विशेष वरीयता के आधार पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। यह कानून आगामी 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। यह कानून लागू होने पर देश के 57 मिलियन पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत पूर्व सैनिकों को अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए कम दाम पर ऋण प्रदान किया जाएगा। चलते हैं अब आपको चाइना के बारे में बताते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल लेक अक्टूबर, नेशनल गेम टेबल टेनिस, बर्ड है वर्जी एंड पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने हैज लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यानी वस्त्र मंत्रालय। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर हैज लोकल फॉर दिवाली नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत होने के साथ साथ कई लोगों की आजीविका का साधन भी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हस्तशिल्प क्षेत्र महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख क्षेत्र, क्योंकि इसमें लगभग 55% श्रमिक और कारीगर महिलाएं हैं। हैज लोकल फॉर दिवाली कैंपेन का उद्देश्य है लोगों को इस दीपावली पर भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और उपहार देने का आग्रह करना। इस अभियान का मूल उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहित करना है। यह अभियान हस्तकला कारीगरों और श्रमिकों को अपनी बिक्री बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद करेगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय कवि गीतकार के जीवन पर लिखी गई बोस्कियाना नई हिंदी पुस्तक राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुलजार। जाने माने भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई बोस्कियाना नई हिंदी पुस्तक राधा कृष्णन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई। यह पुस्तक उनकी फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से गुलजार के जीवन को चित्रित करती है। 228 पृष्ठ वाली पुस्तक को यशवंत व्यस्त संपादित और संकलित किया गया है। बोस्कियाना मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है। इनका एक लाइन है, लॉकडाउन स्पेशल, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे गुलजार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम संचमन लिंबू का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिंबू का निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। वे सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी से 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री रहे थे। वे सिक्किम संग्राम परिषद के स्वर्गीय नरबहादुर भंडारी की सरकार गिरने के बाद लगभग 6 महीने के लिए सीएम बने थे, जबकि
लगभग 6 महीने के लिए सीएम बने थे, जबकि वह वर्ष 1994 में उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। चलिए आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे संचमन लिम्बू जी। चलते हैं अब आपको सिक्किम के बारे में बताते हैं। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोंग। चीफ मिनिस्टर श्री पीएस गोले जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर के तो श्री गंगा प्रसाद, फर्स्ट सीएम काजी लैंडू प्रोजी, फर्स्ट गवर्नर बेबी लाल। लोकसभा और राज्यसभा सीट एक, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 4। मेन रिवर है तिस्ता। सिक्किम का हाईकोर्ट सिक्किम में ही है। चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में सिक्किम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस अभिनेता की आत्मकथा आई एम नो मसीहा को जल्द जारी किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। अभिनेता, फिल्म निर्माता और समाजसेवी सोनू सूद ने आई एम नो मसीहा शीर्षक अपनी आत्मकथा बहुत जल्द जारी किए जाने की घोषणा की है। इस पुस्तक का सह लेखन मीना यर द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को प्राप्त अनुभव को साझा किया गया है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की जाएगी, जो दिसंबर 2020 में रिलीज होने के लिए तैयार है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, यह आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है सोनू सूद की आत्मकथा आई एम नो मसीहा, और ये है सोनू सूद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल में भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूरू के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, पौधे की उपलब्धता, विपणन सुविधाएँ, कीट नियंत्रण के उपाय, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। चलिए अब आपको कर्नाटक के बारे में बताते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर वजूभाई बालाजी, कैपिटल बेंगलोर, फर्स्ट सीएम के चेंगला रेड्डी, फर्स्ट गवर्नर जयचंद्रा राजेंद्र वड़ियार। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक का हाईकोर्ट कर्नाटक में ही है। चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में कर्नाटका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8.6%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जिसे अक्सर मूडीज के तौर पर जाना जाता है, मूडीज कॉरपोरेशन का ब्रांड क्रेडिट रेटिंग का कारोबार है। कंपनी का यह नाम उसकी पारंपरिक लाइन और उसके ऐतिहासिक नाम का प्रतिनिधित्व करता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस देश दुनिया के विभिन्न वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बॉन्ड पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान के अनुमान प्रदान करती है। मूडीज ने 12 नवंबर 2020 को भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर वर्ष 2020 के लिए 8.9% संकुचन किया था, जिसका पूर्वानुमान पहले 9.6% संकुचन था। मूडीज ने वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को भी संशोधित करके 8.1% से 8.6% कर दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स को गुड़गांव के उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इन एयर प्यूरिफायर को CSIR NEERI यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अब आपको हरियाणा के बारे में बताते हैं। बात करें हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो सत्यदेव नारायण आर्य जी, कैपिटल चंडीगढ़, फर्स्ट सीएम भगवत दयाल शर्मा,
फर्स्ट गवर्नर धर्मा वीरा जी, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। बात करें हरियाणा का हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हरियाणा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13 नवंबर को। हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और दया के सामान्य धागे पर केंद्रित समुदाय में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। विश्व दयालुता मूवमेंट द्वारा 1998 में पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। वर्ष 2020 का थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। थीम एक बार नोट कर लें आप, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। चलिए अब आपको नवंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं, आप लोग साथ में रिवीजन ज़रूर किया करें। पहला 1 नवंबर को वर्ल्ड शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे और वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे, 13 नवंबर को नेशनल आयुर्वेद डे और वर्ल्ड काइंडनेस डे, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारतीय नौसेना ने कौन सी स्कॉर्पन पनडुब्बी वगैरह का जलावतरण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5वें। भारतीय नौसेना ने दक्षिण मुंबई के मसगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी वगैरह लॉन्च की है। यह पनडुब्बी एंटी पनडुब्बी युद्ध, एंटी सर्विस वारफेयर, माइन बिछाने, खुफिया जानकारी उड़ने और क्षेत्र की निगरानी जैसे मिशन करने में सक्षम है। इसके बारे में बात करें तो वागीर भारत में बनाई जा रही 6 कलवरी श्रृंखला की एक पनडुब्बी है। इन पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना और एक ऊर्जा कंपनी DCNS द्वारा डिजाइन किया गया है। 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया था। वागीर का नाम सैंडफिश के नाम पर रखा गया है और यह हिंद महासागर में गहरे समुद्र में रहने वाला शिकारी है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की मालदीव यात्रा के लिए के दौरान 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चाइना देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर। बात करें एप्पल कंपनी वन मोर थिंग नाम से एक वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित करेगी। दिल्ली राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। भारत के रस्किन ब्रांड जो कि प्रसिद्ध लेखक हैं हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहरीन देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा को का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। खबरों में नजर आने वाले मेगा स्कोप को IIT एलुमनाई काउंसिलिंग संगठन ने लॉन्च किया है। स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ENIAC। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौर से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए बाबर आजम। क्वेश्चन नंबर 2 है AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के छात्रों के लिए शुरू किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रशिया। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस भगवानी देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।